सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नो मोर हंगरी में। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं नवरात्रि स्पेशल तिल वाली बर्फी। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल तिल वाली बर्फी। जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पे 1 लीटर मिल्क लिया है, यानी कि 1 लीटर दूध रॉ मिल्क मैंने लिया है यहाँ पे। इसके बाद मैंने यहाँ पे सेम सीड लिया है, यहाँ पे वाइट वाली तिल मैंने ली है बर्फी के लिए। इसके बाद हमें चाहिए, यहाँ पे मैंने 800 ग्राम के लगभग शुगर लिया है। आप शुगर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बड़े दाने वाली शुगर ली है, यानी कि चीनी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। व्रत वाली तिल की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके कढ़ाई रख लिया है। जो हमने 1 लीटर के लगभग मिल्क लिया है उसका हम खोया बनाएंगे बिल्कुल इस तरीके से। पहले हम इसे हाई फ्लेम पर एक बॉयल आने तक हाई फ्लेम पर रखेंगे, फिर उसके बाद 2 फ्लेम पर इसे खोया बनने तक, गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जब तक हमारा दूध पक रहा है तब तक हम क्या करेंगे, हम वाइट तिल को भून लेंगे लो फ्लेम पर, या मैंने गैस ऑन करके पैन रख दिया है। फिर हम तिल को ऐड करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, जब तक कि तिल से अच्छी खुशबू ना आने लग जाए। इस तरीके से ये देखिए तिल हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बिल्कुल अच्छा सा कलर आ चुका है, देख सकते हैं। इसे स्टेज पे हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसे ट्रांसफर कर लेंगे एक बाउल में। हम मिल्क भी चेक कर लेंगे दूध। ये देखिए दूध का फर्स्ट बॉयल आ चुका है, देख सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे कर देंगे और इसे 50% पक जाने के बाद, अपनी क्वांटिटी से जब ये 50% हो जाए तब तक हमें पकाना है। ये देखिए दूध का फर्स्ट बॉयल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। ये देखिए दूध हमारा अपनी क्वांटिटी से हाफ हो चुका है। 1 लीटर यहाँ पे मैंने दूध लिया था जो 1/2 लीटर तक हो चुका है, इतना गाढ़ा हो चुका है। इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे जो शुगर हमने लिया था 800 ग्राम। शुगर ऐड करने के बाद हम इसे ऐसे चलाते हुए फिर से भुनेंगे। शुगर मिक्स करने के बाद हम इसे तब तक भुनेंगे जब तक कि खोए का टेक्सचर ना आ जाए, ऐसे चलाते हुए स्पैचुला की हेल्प से। मिल्क के साथ शुगर अच्छे से डिजॉल्व हो चुका है, देख सकते हैं आप। इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। ऐसे ही इसे मिक्स करते हुए हम भून लेंगे जब तक कि खोआ का टेक्सचर ना आ जाए। खोए को चेक कर लेंगे। ये देखिए ये रेडी हो चुका है। एक बार मैं इसे आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल यही टेक्सचर चाहिए हमें। एक बार मैं इसे आपको चेक करके बताती हूँ। ऐसे आपको कटोरी में पानी ले लेना है, छोटे बाउल में। इसमें हम एक बूंद इसे ऐड करेंगे और थोड़ी देर छोड़ देंगे। ये देखिए ये रेडी हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल इसी स्टेज पे हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसे मिक्स करते हुए थोड़ी देर चला लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। गैस को ऑफ करने के बाद हम सेम सीड मिक्स कर देंगे, जो हमने तिल पहले भून के रखा था उसे। इसी के साथ ही इसको हम 5 से 6 मिनट तक कंटिन्यू मिक्स करते हुए फेंट लेंगे, यानी कि चला लेंगे स्पैचुला की हेल्प से। इसको कंटिन्यू हमने फेंटते हुए 8 से 10 मिनट फेंट लिया है। इसका टेक्सचर देख सकते हैं आप बिल्कुल इस तरीके से।
आ जाना चाहिए। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक थाली में। यहाँ मैंने एक स्टील की थाली ले ली है, डीप थाली, जिसमें मैंने घी ग्रीस कर दिया है। इसके ऊपर हम अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसे हम गिरा देंगे। ये देखिए, इसे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है थाली में। इसे ठंडा होने तक, सेट होने के लिए हम 1 आवर के लिए छोड़ देंगे, यानी कि 1 घंटे के लिए। तो मिलते हैं 1 घंटे। ये देखिए 80% तक ये ठंडा हो चुका है, अभी पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। तभी हम इस पर कट लगा लेंगे नाइफ़ की हेल्प से, बिल्कुल इस तरीके से। जिस भी साइज़ में आपको रखना है, जिस भी शेप में कट करना है आपको, वैसे आप कट कर। बर्फ़ी की कटिंग हमने, तिल वाली बर्फ़ी की कटिंग हमने कर ली है, देख सकते हैं आप। थोड़ा और ठंडा होने के बाद हम इसका प्लेटिंग करेंगे। रेडी है हमारा नवरात्रि स्पेशल तिल वाली बर्फ़ी, देख सकते हैं आप कितना टेस्टी बना है। आप इसे फास्ट में इंजॉय कर सकते हैं, या वैसे भी बना के आप घर में रख सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और नेक्स्ट रेसिपी के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।